नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के लाल ने पूरे भारत में आजमगढ़ का नाम रोशन किया है और जनपद वासियों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। जनपद के महानगर के रहने वाले अभय सिंह ने अखिल भारतीय आयु स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2020 में पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिससे जनपद में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के महानगर थाना क्षेत्र के पिथौरपुर के रहने वाले अभय कुमार सिंह ने अखिल भारतीय आयु स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2020 में भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, परीक्षा के साथ साथ उन्होंने पूरे जनपद वासियों का दिल भी जीता। जनपद वासियों द्वारा जब यह खबर सुनी गई, तो प्रमुख समाज सेवी अमित लता सिंह ने आजमगढ़ के लाल का माल्यार्पण कर उनका सम्मान बढ़ाया और बाकी लोगों का भी मुंह मीठा कराया। इस पूरे मामले पर छात्र अभय कुमार सिंह ने बताया कि पूरे सफलता का श्रेय उनके गुरुजनों स्वर्गीय दादाजी के आशीर्वाद का प्रमाण है और सभी छात्रों को हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए तथा सफलता अर्जित करनी चाहिए। मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह हूँ। मैं आजमगढ़ जिले के पिथौरपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरी अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक थर्ड है। अच्छा, पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है और किस तरीके से आपने इस मुकाम को छुआ है? मैं जी, मेरी स्कूलिंग बनारस से हुई है, संत तुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी से, और मेरी यूजी एनएचएमसी लखनऊ से हुई है। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे सफलता का? जी, मेरी सफलता का श्रेय मेरे स्वर्गीय दादाजी का है, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, जो भी मैं करना चाहा मुझे करने दिया। मेरे माता पिता का है, जिन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा, और मेरे गुरुजनों का है, जिन्होंने हमेशा मुझे सही एंट्रेंस एग्जाम के लिए सही से गाइड किया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया और हमेशा मुझसे ये कहा कि मैं अपने पोटेंशियल को पहचानूं और मैं सही से डेडिकेट होकर पढ़ाई करूं। एक तरीके से आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, तो बड़ा हर्ष का माहौल है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे और जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं परीक्षाओं में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे उन तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा जो हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और फेल हो जाते हैं, कि फेल्योर से कभी घबराना नहीं चाहिए। फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमेशा बताता है कि सक्सेस का सही ट्रैक क्या है, और घबराए नहीं, मेहनत करें, सफलता तो जरूर मिलनी है। जी, हमें ये प्रतिभा सिंह को मैं ज्यादा मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सामाजिक संस्था से, ग्रामीणों से, कि इन्होंने मतलब इनके पुत्र जो है अभय सिंह ऑल इंडिया में थर्ड रैंक पर, एमडी में थर्ड रैंक पर आए हैं, और ये जो पूरे देश का पूरे मतलब इंडिया का नाम रोशन किए हैं। मैं इतने हम लोग अपने जिले से और उन बच्चों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी नेट की दुनिया से निकलकर और गैजेट की दुनिया से निकलकर कम से कम आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।